सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की गरसत पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। समा में वो ताकत कहाँ जो परवाने में है, लुप्त जीने में नहीं बल्कि जल के मर जाने में है। नाराज अतिथि शिक्षक आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञापन देने गए थे लेकिन ज्ञापन नहीं लिया और यहाँ पर क्या कहा है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने, बड़ा अपडेट है आपको बताऊंगा भाइयों। नियमित नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे शिवराज सरकार। नाराज अतिथि शिक्षकों ने सम्मेलन का किया बहिष्कार। भास्कर संवाददाता पन्ना, अजयगढ़ के हितग्राही सम्मेलन में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रभारी मंत्री रामकिशोर नानो काबरे और कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को आवेदन देने पहुंचे। सैकड़ों अतिथि शिक्षकों से जब आवेदन नहीं लिया तो नाराज अतिथि शिक्षकों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का चेतावनी दी और अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारी संजय रेगवार और सौरभ खरे ने कहा है कि हम लोग केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री को आवेदन देने आए थे लेकिन भाजपा के लोगों ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने बहिष्कार कर दिया जिससे वह अपमानित और आक्रोशित हैं। अगर उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा तो शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसके पहले भी अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगे पूरी कराने को लेकर आवेदन दे चुके हैं, इसके बाद भी इस ओर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है जिससे अतिथि शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ये तो वास्तव में अपमान की बात है। अगर ज्ञापन देने गए थे तो ज्ञापन लेना चाहिए क्योंकि सरकार सभी की होती है। दोस्तों, सरकार किसी एक की नहीं होती, चाहे वो शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो या अस्थायी कर्मचारियों, लेकिन सरकार सबकी है दोस्तों, क्योंकि सरकार का नाम होता है सबकी। और इनको ज्ञापन ले लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, इससे अतिथि शिक्षक नाराज हैं। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। अतिथि शिक्षक 14 वर्षों से अल्प मानदेय पर काम कर रहा है, भीख मांग रहा है सरकार से, लेकिन सरकार भीख भी अतिथि शिक्षकों को नहीं दे रही है। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।